बादल श्याम तारा तज माधव तज के हम डरते तुम्हारे हे मैया डरते तुम्हारे हे मैया दामन को पसारे बैठे इसलिए अब शेरों वाली आए तो
भक्त को किस बात की परवाह की प्रभा मजहार में हमें को डर ही क्या जब नाव की मलिहा मैया है तो ये समझते हैं मैया तो ये समझते हैं मैया किसी गरीब की मिट्टी पड़ी नहीं क्योंकि ये जीवन चक्र है मां के दरबार में जो जीवन को सुख और आनंदमय बनाना चाहता है तो मां से लगन लगानी होगी क्योंकि भक्त नूर को बेनूर बना जखम को नासूर बना देता है कौन चाहता है अपनों से दूर रहना पर भक्त सबको मजबूर बना देता है। इसलिए आपके दरबार में इस संसार से ठोकरें खाते हुए मां आपसे केवल प्रार्थना है क्योंकि इस संसार वालों से हमें केवल आशा नहीं मां से आशा है हम जाए किसी के दर पर क्यों और मांगे भला क्या दुनिया से है क्योंकि मां ये दुनिया तेरे दर का भिखारी है भला हम संसार वालों से क्या मांगेंगे मांगेंगे तो मां क्योंकि हे मां हम जाए किसी के दर पर क्यों और मांगे भला क्या दुनिया से मां क्योंकि दुनिया से कर्ज क्या है हमको दुनिया से कर्ज क्या है हमको जब मैया हमारी बैठी
भोगने के बाद ये मानव का तन मिलता है, लेकिन हम माया के वशीभूत होकर लालच लोभ में फंसकर भगवान को भूल जाते हैं, मैया रानी के गुणगान को भूल जाते हैं। जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी, ये संसार जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। ये संसार माया के वशीभूत होकर सारा जीवन माया में ही अपना, एक रोटी दो लंगोट तीन गज कच्ची जमीन, बस यही कुछ जिंदगी में जोड़ता है आदमी। संसार रोटी कपड़ा और मकान केवल तीन की व्यवस्था में जुटा हुआ है, मजदूर से लेकर राष्ट्रपति तक। ये संसार केवल एक रोटी दो तीन गज कच्ची जमीन, बस यही कुछ जिंदगी में जोड़ता है आदमी। हम जानते हैं कि एक दिन हमें परमात्मा के यहाँ जाना है, परमात्मा को एक एक हिसाब देना होगा। आया है सो जाएगा राजा रंको फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गए कोई बंधे गरम प्रधान विश्व कर रहा था, जैसा बीज जैसा बो देगा फल वैसा बो देगा, गद्दा और को खो देगा अपना सब कुछ खो। इसलिए इस संसार से मुक्ति पाने के लिए मां हम आपके दरबार में, हम दर पे तुम्हारे मन को पसारे बैठे हैं मां, बैठे क्योंकि मां दुनिया के सजाए हम को यहाँ के सताए हैं हम को।